देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं हर्षिता उनकी दादी के घर। हर्षिता बताएगी क्या? हर्षिता मैं सच बोल रही हूँ? पता नहीं हर्षिता यार क्या हुआ है, पहले तो तुम कैमरे के आगे आगे खूब खूब बोलते थे और अब पीछे हट जाते हो। वाह हर्षिता, हम तुम्हारी दादी के घर आए ना। हम लोग सोच रहे थे बस एक बार हाँ काफी है। हम लोग सोच रहे थे कि हर्षिता के दादा दादी मना ना कर दे वीडियो बनाने के लिए, पर वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोल दिया बना तो लो, हम कब मने करेंगे। हर्षिता तुम यहाँ साइकिल से आते हो ना खेलने? इधर आके बोलो यार। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? अब नहीं आते, पहले आते थे। क्यों, अब क्यों नहीं आते, अब क्यों आना छोड़ दिया? हमारी सब चीज खटारा हो चुकी है। तुम्हारी साइकिल खराब हो गई इसका मतलब? और हम भी खटारा हो गए। तुम भी खराब हो गए। हर्षिता तुम्हारी दादी ने तो गेट लगा ली, अब ये बताओ अंदर कैसे जाएंगे हम? पीछे से भी गेट है। तुम्हारी मम्मी जब अधिकतर आती थी यहीं पे आती थी हर्षिता? इतनी दूर पैदल पैदल? तो हर्षिता तुम लोग खेलने आते हो इतनी दूर उमरी से पैदल आते हो यहाँ पे? खेलने भी आ जाते हैं, काम करने। कौन सी जगह खेलती हो हर्षिता, इधर के उधर आ गए? जंग खेलते हैं, होते होते सब लोग नैना निम्मी सब आते हैं यहाँ पे। जैसी मैं पर वो कभी कभी बोल कभी कभी बोलते थे कहीं डोंगरी पे जा रहा है, डोंगरी कभी कभी जा जाते हैं, यही आती है घूमने। तो ये डोंगरी और ये है गौशाला उमरी की। नहीं भाई यार, हम लोग हर्षिता उनके घर के अंदर आ गए और हर्षिता उनके अंदर LED TV लगा, यकीन नहीं हो रहा। देखिए फ्रेंड्स, हर्षिता उनके दादा दादी और दादाजी का घर है जो कि उमरी से थोड़ी से दूर है, यहाँ पर रहते हैं वो लोग। ये हर्षिता की दादी है, झाड़ू लगा रही है, और ये हर्षिता अंजलि बैठी हुई है, और देखिए ये हर्षिता उनके आम का पेड़ लगा रहा है, आम का पेड़ है, केरी का पेड़। और ये देखिए यहाँ नौजवान बैठा हुआ है। फ्रेंड्स ये हर्षिता उनकी दादी है, और यहाँ नौने दो जवान बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो लेकर आए घर से। ये हर्षिता उनकी गाय बंधी हुई है, बैल नहीं गाय। हर्षिता के दादाजी। हाँ और ये बात, तुमने भुट्टे के पेड़ भी लगा रखे हैं बिना सीजन में, मजा मस्त। कितने अच्छे ये प्याज के पेड़ लग रहे हैं ना, वो भट्टे के हैं शायद। टमाटर है वो, टमाटर के। ये पपीता लग गए, गन्ना भी है, गन्ने का। अरे वाह, गन्ने की भी देखो, गन्ने के भी पेड़ लग रहे हैं इनके यहाँ तो। कितना अच्छा गार्डन बना रखा है ये तुमने, बिल्कुल हमारे बाबूजी की तरह, ऐसी बाबूजी लगे रहते हैं। ये फूल पचमढ़ी सब बीज मंगवाया था, वो लाल कलर का खिल रहा है, वो पचमढ़ी का बीज है। गजब, ये ट्यूबवेल लगा रखा है इसलिए इनमें पानी दे देते, इसलिए ये पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, नहीं ऐसे मौसम में तो सब सूख जाता है। ये छोटे छोटे से बछड़े कितने क्यूट से। हेलो, देखिए फ्रेंड्स यहीं पे हर्षिता की दादाजी की शर्ट मिल चुकी है, और दीपक भैया अब गरीब बनने जा रहे हैं। तो कंजूसी का सीन, मतलब कंजूसी का, ये हर्षिता की दादी लगा रही है झाड़ू, दादी झाड़ू लगा रही है। गाइस ये देखिए दीपक और हर्षिता के दादाजी की बनियान पहनने वाले हैं। हाँ जय जोई वाली पहनी तुम, जोई वाली जब से ब्लॉग कर रही हूँ वो नहीं करना भूल जाती, अच्छी ब्लॉगर बनी। चलो दीपक भैया जम चुके हैं गरीब के रोल में, लेकिन ये बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो जम गए भाई, गरीब ही नहीं लग रहा जो बैठे हैं साहब, बड़े लोग, बड़े बड़े लोग कुर्सियों पे। ये देखिए दीपक भैया जब गए, ये देखिए फ्रेंड्स रेडी। ए भाई, ए भगवान के नाम पे कुछ दे देना, ए भाई दे दे, मगर अब नहीं भाई, आप दे दो भाई, तू दे दे, इतने बड़े लिखे जो ही दे दे, कैमरा ना भिखारी को कैमरा मत दे, भाई तुम दे दो, ये लो भाई, खुशी रहो, वाओ खुशी रहो, लग यहाँ से आ जाते हैं कनका कहाँ से इधर। एक बार और करी, कर पग यहाँ से, कर इधर, क्लियर दिख रहा, काला दिख रहा था उधर, काला दिख रहा था, सही करी, कर इधर, तुम ढक्कन फिर कर लो,
दीपक भाई बिग मांगने यार, बिग मांगने यार। मेरे पास नहीं कचू भाई ना सर काग मांग जाए कर मुझे डर कनकाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज तक मैं अपने साथ सेल्फी स्टिक लेकर आई हूँ, क्योंकि ना मुझे मोबाइल से मैं पकड़ती हूँ ना तो बहुत मोबाइल हिलता है, इसलिए आज मैं सेल्फी स्टिक लेकर आई हूँ। और देखिए जहाँ मैं पीछे खड़ी हुई हूँ सब जगह बिल्कुल हरियाली हरियाली है, और ये ना जामफल के पेड़ लग रहे हैं, काफ़ी तरह तरह के पेड़ हैं, लेकिन फर्स्ट ये दिख रहा है वहाँ पर एलोवेरा का पेड़, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एलोवेरा काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, बहुत सारे विटामिन होती है इसमें। करी करी कस कर करी एकदम जी जा रहे हैं पापा, ये कह रहे ये रहो मैं आ रहा हूँ। अरे बेटे तुम्हारे पापा कहाँ है? मुझे क्या पता? चलो ठीक है, तुम खेलो मैं उनको देख कर आती हूँ। अरे कहाँ हो? पता नहीं ये भी कहाँ चले गए। अरे कहाँ हो अर्चिता के पापा? काका ने बस लेने फैलाना मैं दूंगी। अरे क्या कर सब्जी लिया, कब तक लाओगे सब्जियाँ? देखिए फ्रेंड्स, ये हर्षिता की दादाजी की बाइक रखी है, इसको लेके हम लोग धूमथ्री होने वाले हैं। धूमथ्री सुनती हो? मैं जा रहा हूँ बाजार सब्जी लेने। हाँ हाँ जाओ जल्दी, और जल्दी लेकर आओ, मेरी बेटी भूखी है। हाँ जब तक बैठ के तुम बातें करो लाता हूँ ना। बाजार जाओ जी, लेके आना। बहुत दूर है, पैदल पैदल जाऊं, कैसे जाऊं? और तुम कंजूस बने हो ना इसलिए। चलो जल्दी जाइए, चारा वगैरह के फोटो जाएंगे। चाहे निकालूं? हाँ वैसे आप देना माइक निकालो। मोबाइल में अच्छा नहीं दिख रहा यार, मेरे फोन में अच्छा नहीं दिख रहा। माइक दे देना पहले। जी 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 माइक दे देना हमको पहले, ठीक है? थंबनेल ले लूं अपन। अब देखो राख के जगह छोड़ देना, मतलब थोड़ी सी हल्की सी दीपक के, मतलब एक गोल गोल सर्कल के अंदर लिखेंगे दीपक का कुछ टैग है। उगाड़ा होकर लेना पड़ रहा है भैया। उगाड़ा क्यों करवा रहा जीजू उसको? शर्ट देना, ये शर्ट दीपक के उसमें फोटो भी लगाएंगे, ये शर्ट एक साल तक और चलेगी, अभी घर में शर्ट नहीं पहना। बैठ जाओ, इतना लंबा नहीं, थोड़ा सा लगना एक साल। फ्रेंड्स ये थंबनेल लिया जा रहा है, बेचारे दीपक को पूरा कर दिया है। उगारा पुगारा नहीं है जी, पूरा कर दिया गया। रुक जाओ बोल गई, ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स उसका थंबनेल चेक कर रहे हैं दीदी की, अच्छा आया भी है या नहीं। अरे मेला नहीं मालूम है, 16.9 पे करते हैं। अब ठीक है जाइए, जाइए से कट कर लेंगे हम। रहने दो, साइज में जब करें तो। अच्छा मेरी बंदूक चल रही है अंजलि, मेरी बंदूक करनी पड़ता है। मिल जाएगी 16.9। दीपक भैया सबसे पहला जो पोज दिया था ना वो ही देना। कैसे दिया था? खेत दिया था ऐसे। कुछ भी नहीं वीडियो मेरे दोस्त और मजाक उड़ाएंगे। अरे तेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं तो तू भी उनका मजाक उड़ाने लग। उनके सूज नहीं फटे होंगे तो मैं कहाँ से मजाक उड़ाऊंगी। अरे 200 रुपए जाएंगे अभी तो नहीं, इनको खरीदने में तो अभी 2 महीने और चला तू, फिर दिलाऊंगा। जा उनका भी मजाक उड़ा ले तू, जा जहाँ से। अर्चिता को गोद में उठा के ले जाऊं क्या? दीपक आना जल्दी बना रहा हूं, देखती हूं।
से जहाँ से। अरे सुनो हाँ? वो क्या है, मुझे ना मेरी सहेलियों के साथ थोड़ा बाजार घूमने जाना है, तो कुछ चीज पसंद आ जाएगी तो मेरा भी लेने का मन करेगा, तो इसलिए मुझे 100 या 150 रुपए दे दो, उन्हीं से काम चला लूंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही आप कितने कंजूस हो। तुमको क्या है चीज लाने की, मैं सब तो ले आता हूँ, सारी चीज ले आता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी एक एरोप्लेन ब्लैक कलर का एरोप्लेन उड़ता आया और मेरा पीछा करने लगा, बिन 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 बिन, उसको कहते हैं भिन भिना, जो बहुत ज्यादा भिन 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 करता है। आज में हमें बहुत ज्यादा हंसी आ रही दे रही है।